हेलो एवरीवन वेलकम अगेन इन लर्न विद में बच्चों हम कर चुके हैं क्लास टेन का चैप्टर नंबर टेन का पार्ट वन जिसमें हम फिफ्टी क्वेश्चंस कर चुके हैं और चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पार्ट टू को फिफ्टी वन क्वेश्चन है आपका बागसाइड एस्क किस धातु का एस्क है जो एस्क है जो वो किस धातु का एस्क है तो वो आपका एल्यूमिनियम का है है ना आपको पता होगा निश्चित रूप से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बागसाइड एस्क किन उद्योगों में उपयोग किया जाता है बाक्साइट एस का किन उद्योगों में उपयोग किया जाता है तो हम जानते हैं जो जा एल्यूमिनियम का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है विद्युत उद्योगों में किया जाता है मशीनरी उद्योगों में किया जाता है बर्तन उद्योगों में किया जाता है बर्तन बनाए जाते हैं ना तो इस तो प्रकार के उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत में बाक्साइट एस कहाँ से प्राप्त होता है भारत में जो बाक्साइट है एस वो कहाँ से प्राप्त होता है तो ये आपका धारवाड़ और विंध्याचल की जो क्रम की लावा जो चट्टाने हैं वहां से सामान्य तौर प्राकृतिक रूप से पाया जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का बाइट एस के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है मतलब भारत में जो उत्पादन होता है वो विश्व में किस स्थान पर आता है सर्वाधिक तो पांचवें स्थान पर पांचवा सबसे बड़ा देश है जहां पर बाक्साइट एस भंडार मिलते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में बाक्साइट एस का उत्पादन कहाँ किया जाता है भारत में बागसाइट एस का उत्पादन कहाँ किया जाता है तो आपको पता है कहाँ मिल रहा है ये श्रेणी में चट्टानों के रूप में मिल रहा है तो ये कहाँ पे पाया जाएगा उसी क्षेत्र में उड़ीसा के कोरपुट कालाहाड़ी जिलों में झारखंड में रांची पलामू गिरिडीह लोहादरगा मध्य प्रदेश में बालाघाट कटनी जबलपुर गुजरात में खेड़ा जामनगर जूनागढ़ और कच्छ जिले में और छत्तीसगढ़ में सरगुजा रायपुर बिलासपुर महाराष्ट्र में कोल्हापुर रत्नगिरी पुणे तथा अन्य राज्यों में कर्नाटक गोवा और तमिलनाडु भी शामिल हैं तो आपने देखा ये किन क्षेत्रों में पाया जा रहा है इस चीज से आप अंदाजे से लगा सकते हैं कि किस क्षेत्र में सामान्य तौर पर भारत में उत्पादित कितना प्रतिशत बाक्साइड एल्युमिनियम बनाने के काम आता है भारत में उत्पादित कितना प्रतिशत बाक्साइड एल्युनियम मतलब टोटल जो भंडार हमारे देश में हो रहा है उसका कितना प्रतिशत एल्युमिनियम बनाने के काम आता है तो वो आपका मात्र 80 प्रतिशत है ठीक है अस्सी प्रतिशत बाक्साइड से बाइट से हम एल्यूमिनियम बना देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में उत्पादित कितना प्रतिशत बाक्साइड घरेलू उपयोग में आता है जो टोटल आपका बाक्साइड उत्पादित हो रहा है उसमें कितना यूज हमारे घरेलू उपयोग में यानी हमारे देश में ही कर लिया जाता है तो उसमें है आपका 60 प्रतिशत जो बाक्साइट है वो हमारे घरेलू उपयोग में होता है शेष जो होता है उसको यूरोपियन और खाड़ी जो देश है उनमें निर्यात कर दिया जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है आपको जानकारी निश्चित रूप से होगी अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है मतलब सबसे ज्यादा अभ्रक विश्व में भारत के अंदर होता है है ना और विश्व का 70 से 80 प्रतिशत उत्पादन केवल भारत के अंदर होता है है ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मस्को जिसे रूबी अभ्रक भी कहा जाता है उसी तरह बायोराइट ये क्या है गुलाबी अभ्रक इन चीजों का आप याद रखिएगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं मस्कोवाइट क्या है रूबी अभ्रक है और बायरआइट क्या है गुलाबी अभ्रक ये किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होता है किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होता है ये ये आग्ने और कायंत्रित चट्टानों द्वारा प्राप्त होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभ्रक की भौतिक गुण है अभ्रक किस टाइप का मेटेरियल है क्या है अभ्रक तो अभ्रक देखिए कुचालक है परतदार होता है चमकीला होता है और इसका उच्च गलनांक होता है, ठीक है अब्रक जो होता है भौतिक रूप से कुचालक होता है यानी विद्युत चालन नहीं होता है इसमें परतदार होता है दिखने में चमकीला होता है और उच्च गलनांक, यानी काफी उच्च टेम्परेचर में बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे गलता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभ्रक का उपयोग किस प्रकार के उद्योग में किया जाता है अभ्रक का जो उपयोग है वो किस प्रकार के उद्योगों में किया जाता है तो अभ्रक का उपयोग विद्युत कार्य वायुयान उद्योग सैन्य सात सामान में उपयोगी होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में अभ्रक का भंडार कहाँ पाए जाते हैं भारत में जो अभ्रक का भंडार है वो कहाँ पाए जाते हैं तो आपको जानकारी होगी कि भारत में सर्वाधिक जो अभ्रक के भंडार है वो आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं है ना और आंध्र प्रदेश में कहा पे नल्लौर और गुटूर और कुड़प्पा क्षेत्र में इसी तरह राजस्थान का दूसरा स्थान है भारत में सबसे ज्यादा और यहाँ पर भीलवाड़ा अजमेर जयपुर उदयपुर और टोंक में पाए जाते हैं इसी तरह झारखंड जो तीसरे स्थान पे आता है उसमें हजारीबाग कोडरमा गिरडीही धनबाद और बोकारो और पलामू ये जो क्षेत्र हैं, ये झारखंड के हैं जहाँ पर अभ्रक पाया जाता है इसके अलावा बिहार में औरंगाबाद गया नवादा बेगूसराय तथा तो अन्य राज्यों में जैसे तमिलनाडु कोयम्बटूर मदुरई तथा तो मध्य प्रदेश में बालाघाट और छिंदवाड़ा ये सभी क्या है ये अभ्रक भंडार के क्षेत्र है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सीसा व जस्ता भारत में कहाँ पाया जाता है सीसा व जस्ता भारत में कहाँ पाया जाता है तो देखिए सीसा और जो जस्ता है वो कहाँ पाया जाता है अरावली श्रृंखला जो है आपकी राजस्थान की जो अरावली श्रृंखला है उसकी जो अवसादी और परतदार जो चट्टाने हैं वहां पे गैलेना एस के रूप में सर्वाधिक मिलता है अरावली श्रृंखला की अवसादी और परतदार जो चट्टाने हैं उसमें गैलेना एस के रूप में किसके रूप में गैलेना एस के रूप में, में मिश्रित अवस्था में ये मिलता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गैलेना एस देखिए मैंने कहीं पे सीसा जस्ता की जगह गैलेना एस को लिख दिया है कहीं पे ताकि आप लोग गैलेना एस को ना भूलें आपको ये समझ में आना चाहिए गैलेना एस से क्या निकलता है ठीक है गैलेना एस का उपयोग किस प्रकार के उद्योग में किया जाता है यानी सीसा जस्ता का उपयोग किस प्रकार के उद्योग में किया जाता है तो देखिए जस्ता का उपयोग रसायन शुष्क बैटरी बनाने जंगरोधक कार्यो आदि के लिए किया जाता है और सीशे का उपयोग हम जानते हैं उपयोग पीतल बनाने सैन्य सामग्री में और रेल इंजन हेतु किया जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत में सर्वाधिक गैलेने का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है भारत में सर्वाधिक गैलेने का उत्पादन राज्य में किस राज्य में किया जाता है यह आपके रीट के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान राज्य में ही सबसे ज्यादा शीशा और जस्ते का उत्पादन होता है यानी गैलेन का उत्पादन होता है इसमें चित्तौड़ राजसमंद भीलवाड़ा और उदयपुर जिले हैं इसमें सर्वोपरि हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत में शीशे व जस्ते का शोधन कार्य किसके द्वारा किया जाता है भारत में जो कि उदयपुर में स्थित है यहाँ पर इसका शोधन किया जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राजस्थान के अतिरिक्त सीसा व जस्ता का भंडार किन राज्यों में पाया जाता है राजस्थान के अतिरिक्त सीसा और जस्ता का भंडार किन राज्यों में पाए जाते हैं तो राजस्थान के अतिरिक्त ये आंध्र प्रदेश उड़ीसा झारखंड और तमिलनाडु में सामान्य तौर पर देखने को मिलते हैं तो बच्चों इसके ए, मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ इसमें ज्यादा क्वेश्चंस मैंने नहीं लिए उसका कारण यह है कि उसके आगे जो है आपके ऊर्जा खनिज बचे हैं इस चैप्टर में केवल है ना तो उसको नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट पार्ट में हम कर देंगे कंप्लीट और उसी के साथ आपका हो जाएगा चैप्टर समाप्त तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर मैं इन सभी को एक साथ ले लूंगा तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा जो आपको दिक्कत आएगी तो ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू